दोस्तों, एक ऐसा देश जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों को भी चुनौती देने की हिम्मत दिखाई है। एक ऐसा मुल्क जिसे रोकने के लिए अमेरिका और इसराइल ने हर चाल चली, लेकिन आज भी वो अपने हौसले के दम पर खड़ा है। हम बात कर रहे हैं उस ईरान की, जिसने न सिर्फ पश्चिमी ताकतों को बल्कि इसराइल जैसे दुश्मन को भी हर कदम पर चुनौती दे रखी है। क्या आप जानते हैं कि ईरान के पास वो शक्ति है जो दुनिया के नक्शे को हिला सकती है? ऐसा देश जिसके पास ऐसे हथियार और मिसाइलें हैं जो इसराइल के आयरन डोम को भी भेद सकते हैं। और ये सिर्फ शुरुआत है। ईरान की इस ताकत के पीछे क्या है? क्यों इसराइल और अमेरिका उससे इतना डरते हैं? और सबसे अहम बात, क्या ईरान वाकई इसराइल का अंत कर सकता है? जानेंगे आज की इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी और भी वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलती रहे। दोस्तों, ईरान दुनिया के लिए, खासकर यूरोप और अमेरिका के साथ साथ इसराइल के लिए भी एक बड़ा खतरा बना हुआ है। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट के शब्द आज भी ईरान की बढ़ती ताकत और प्रभाव का संकेत देते हैं। ईरान वह एकमात्र मुस्लिम देश है जिसे अमेरिका और इसराइल सबसे अधिक डरते हैं। 20वीं सदी के दौरान, जब बाकी दुनिया अमेरिका के दबाव में थी, तब ईरान ने विद्रोह कर अमेरिका समर्थित शासन को हटा दिया था। आज के समय में कोई भी मुस्लिम देश इसराइल को खुली चुनौती देने का साहस नहीं कर सकता, सिवाय ईरान के, जो न केवल इसराइल को चुनौती देता है बल्कि रॉकेट से उसकी जमीन को भी हिला देता है। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका और इसराइल कभी भी सीधे ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि ईरान पर हमला करना जितना आसान है, उससे ज्यादा मुश्किल है वहां से सुरक्षित लौटना। ईरान के पास इतने संगठन और नेटवर्क हैं कि वह मिडिल ईस्ट और पश्चिमी देशों की सरकारों को अस्थिर कर सकता है। दूसरी तरफ, कई अरब देश फिलिस्तीन के समर्थन में खुलकर नहीं आ सकते, क्योंकि उन्हें डर है कि अमेरिका उनके खिलाफ प्रतिबंध लगा सकता है और उनकी आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचा सकता है। जबकि ईरान तमाम प्रतिबंधों के बावजूद फिलिस्तीन के मुसलमानों का समर्थन करता आ रहा है। जनसंख्या के हिसाब से भी ईरान इसराइल से 9 गुना बड़ा है और उसकी सेना इसराइल से अधिक शक्तिशाली है। जमीनी युद्ध में इसराइल कभी भी ईरान से जीत नहीं सकता। यदि इसराइल मिसाइल हमले करता है तो ईरान के पास भी 25,000 से 30,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, जो सीधे इसराइल को निशाना बना सकती हैं। ईरान की मिसाइलें इसराइल के आयरन डोम को भेदने की क्षमता रखती हैं। ईरान ने अपने हथियारों को भूमिगत ठिकानों में विकसित किया है, खासकर कुम शहर के न्यूक्लियर प्लांट में, जो पहाड़ों के 300 फीट नीचे स्थित है। इस प्लांट की सुरक्षा इतनी मजबूत है कि अमेरिका के बंकर बस्टर बम भी इसे नष्ट नहीं कर सकते। ऐसा माना जाता है कि इसी प्लांट में ईरान ने परमाणु हथियारों का निर्माण किया था। यदि ईरान और इसराइल की सैन्य क्षमता की तुलना करें तो ईरान के पास 3,000 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और 101 युद्धपोत हैं, जबकि इसराइल के पास मात्र 67 जंगी बेड़े हैं। ईरान की सेना इसराइल से 5 गुना बड़ी है, जिसमें 670,000 सक्रिय सैनिक शामिल हैं, जबकि इसराइल के पास केवल 170,000 सैनिक हैं। ईरान के पास 6,576 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जो इसराइल से 20,000 ज्यादा हैं। इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट के अनुसार ईरान वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा मिसाइल और ड्रोन शस्त्रागार रखता है। वहीं टैंकों के मामले में भी ईरान इसराइल से आगे है। उसके पास 4,000 से अधिक टैंक हैं, जबकि इसराइल के पास 1,370 टैंक हैं। अगर बात सबमरीन की करें तो ईरान के पास 19 और इसराइल के पास केवल 5 सबमरीन हैं। अगर अमेरिका इसराइल की मदद नहीं करे तो ईरान अकेले दम पर इसराइल को परास्त कर सकता है। ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो इसराइल के आयरन डोम को भी नष्ट कर सकती हैं। हाल ही में ईरान ने इसराइल पर एयर स्ट्राइक की थी और उसका आयरन डोम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम साबित हुआ था। ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो साउंड की गति से 5 गुना तेजी से हमला कर सकती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान के पास एक ऐसा खतरनाक हथियार है जिसे अमेरिका ने मिस्ट्री वेपन का नाम दिया है। इस हथियार का परीक्षण करते समय पूरे मिडिल ईस्ट में धरती हिल गई थी।
और इसराइल भी इस धमाके से दहल गया होगा। इसराइल को पता है कि ईरान उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसराइल के पास भले ही परमाणु हथियार हों, लेकिन वह कभी ईरान पर परमाणु हमला नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान के पास भी ऐसे हथियार हैं जो इसराइल को खत्म कर सकते हैं। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने भी पुष्टि की है कि ईरान के पास परमाणु हथियार हैं। इसराइल के पूर्व राष्ट्रपति मोसे कात्सो ने भी कहा था कि ईरान की परमाणु शक्ति केवल इसराइल के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ईरान पर दुनिया भर से प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने हथियारों और मिसाइलों की ताकत में कोई कमी नहीं आने दी। ईरान की सैन्य शक्ति आज पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। ईरान द्वारा विकसित किए गए ड्रोन आज दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं, और ईरान के पास 9 अलग अलग प्रकार के मिसाइल सिस्टम मौजूद हैं। ईरान ने एक ऐसी मिसाइल भी बना ली है जिसे राडार सिस्टम से ट्रैक करना असंभव है। इसराइल की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी छोटी आबादी है, जो 1 करोड़ से भी कम है। अगर ईरान जैसे देश ने पूरी ताकत से इसराइल पर हमला किया तो इसराइल पूरी तरह से तबाह हो सकता है। इसराइल के पास सिर्फ 5 प्रमुख शहर हैं, जिन्हें निशाना बनाना किसी भी सैन्य शक्ति के लिए कठिन काम नहीं है। ईरान इसराइल की इन कमजोरियों से भली भांति परिचित है। इसराइल में लगभग 70% बिजली प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होती है, और वह गैस पाइपलाइन भूमध्य सागर के जरिए गुजरती है, जो ईरान के नजदीक है। ईरान इस पाइपलाइन को निशाना बनाकर इसराइल को अंधकार में धकेल सकता है। ईरान दुनिया का 3रा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक देश है, और साथ ही वैश्विक तेल का लगभग 40% ईरान के रास्ते से होकर यूरोप और अन्य देशों तक पहुंचता है। अगर ईरान चाहे तो वह दुनिया की अर्थव्यवस्था को कुछ ही घंटों में ध्वस्त कर सकता है। फिलिस्तीन के मुसलमानों का समर्थन कर ईरान पूरी मुस्लिम दुनिया का हीरो बन चुका है। गाजा के मुसलमानों की लड़ाई में अगर किसी देश ने सबसे अधिक बलिदान दिए हैं तो वह ईरान है। चाहे वह लेबनान में लड़ रहे सिपाही हों या हमास के नेता, हर कोई ईरान के समर्थन का लाभ उठाता है। लेकिन यह दुख की बात है कि ईरान को छोड़कर कोई और मुस्लिम देश फिलिस्तीन की मदद के लिए खुलकर सामने नहीं आ रहा। मुस्लिम देशों को यह समझना चाहिए कि इसराइल का लक्ष्य केवल गाजा या फिलिस्तीन तक सीमित नहीं है, उसके ग्रेटर इसराइल के इरादे हैं, जिसमें शाम, मक्का और मदीना भी शामिल हो सकते हैं। जब भी गाजा के मुसलमानों का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें ईरान का नाम उन देशों में सबसे पहले आएगा जो उनके साथ मजबूती से खड़े रहे। जबकि विश्व की कई शक्तियां ईरान को मिटाने की कोशिश में लगी हैं, ईरान ने लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना ली है। ईरान का यह साहस और दृढ़ संकल्प फिलिस्तीन के समर्थन में उसके कद को और ऊंचा करता है, और यह इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ईरान और सभी मुस्लिम एकजुट होकर इसराइल को हरा सकते हैं? क्या मुस्लिम देशों में इतनी हिम्मत है कि वो सीधे इसराइल से टकरा सके? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय श्री राम।